SDI चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन पर क्लिक करें ताकि आपको सबसे पहले हमारे नए वीडियोस और लाइव इज्तिमा की लिंक मिले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। शाफाए रूज़े जज़ा तुम पे करोड़ों दुरूद, दाफाए जुमला बला तुम पे करोड़ों दुरूद। जैसा कि आप सबको इस सिलसिले में इत्तला है कि केरला की सरजमीन पर सैलाब की वजह से वहाँ के लोगों का जो हाल है, जो उनकी कैफियत है, वो हमसे और आपसे पोशीदा नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह, केरला के मुसलमानों के हालात को देखते हुए हमारे कायद हुजूर अमीर सुन्नी दावत इस्लामी हज़रत अल्लामा मोहम्मद शाकिर लेनूरी साहब किबला ने आलमी मरकज से उनकी मुआविनत के लिए पुरजोर अपील फरमाई है। उसी तहरीक पर शहरियान मालेगांव से फ़कीर सैयद मोहम्मद अमीनुल कादरी अर्ज करता है कि अल्लाह तबारक व ताला ने अगर आपको नवाजा है तो आप अपनी नेक कमाई से केरला के लोगों की इमदाद की कोशिश करें, क्योंकि आज उन पर मुसीबत है, कल किसी और पर भी मुसीबत आ सकती है। अगर हम अपने उन भाइयों की इमदाद करेंगे तो अल्लाह ताला हमें मुसीबतों से महफूज फरमाएगा। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान का मफहूम है कि जब तक तुम अल्लाह के बंदों की मदद करते रहोगे, अल्लाह तुम्हारी मदद करता रहेगा। इसलिए अगर आप अपनी नेक कमाई से केरला के लोगों की मदद करना चाहते हैं तो आप मरकज़ सुन्नी दावत इस्लामी मालेगांव जामा मस्जिद या रसूलुल्लाह से राब्ता कायम करें। और हमारे अराकीन बिरादर जमील रजवी साहब, हाफिज़ मकसूद अशरफ साहब, नईम नूरी साहब, कारी नूर मोहम्मद रजवी साहब, कारी अब्दुलसलाम रजवी साहब, हाफिज़ गुफरान अशरफी साहब, मोहम्मद उस्मान नूरी, मोहज़िन जामा मस्जिद या रसूलुल्लाह, इन हजरात से और हमारे अराकीन से मुबल्लिगीन से राब्ता कायम करें और आप नकदी जमा करा कर उनसे रसीद ज़रूर भी ज़रूर हासिल करें। इंशाल्लाह आपकी नेक कमाई केरला के लोगों तक पहुंचाई जाएगी और उनकी इयानत इंशाल्लाह तबारक व तआला की जाएगी। इस सिलसिले में मालेगांव के जो भी इदारे हमारे साथ मिलकर काम करना चाहते हैं, उनसे गुजारिश है कि जिन अहबाब का मैंने नाम लिया वो उनसे फौरी राब्ता कायम करें और ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ चढ़ कर हम इस कार्य खैर में हिस्सा लें। जज़ाकल्लाहु खैरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।